बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 17, अल्काइल हैलाइड्स एंड अमीन्स, एंड टुडे वी विल डिस्कस इट्स एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस 2020-2021, जो भी क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं रिड्यूस सिलेबस में, हम जस्ट वही डिस्कस करेंगे। एंड वी विल रिव्यू इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी आपसे कि किस तरह से आपने ऑब्जेक्टिव्स वगैरह को सॉल्व करना है। एंड एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर वी विल सी बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस जो कि इस एक्सरसाइज में से पूछे गए हैं। स्टूडेंट्स, एक और बात यहाँ पर नोट डाउन कर लें कि यहाँ पर मैं 9th एडिशन अक्टूबर 2020 की जो बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन की, उसकी एक्सरसाइज को डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि ये जो न्यू एडिशन था, इस पिछले एडिशन के कंपैरिजन में कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज के जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो आप नोट डाउन कर लें कि ये जो हम एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं, ये 9th एडिशन अक्टूबर 2020 से डिस्कस कर रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विद द थॉट ऑफ द डे। स्टूडेंट्स, बेसिकली ये जो मैंने थॉट ऑफ द डे का सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है, इसका मकसद है, मतलब इसका मकसद ये है कि हम जस्ट यहाँ पर आकर कोई मतलब पढ़ाई या एजुकेशन से रिलेटेड कोई टॉपिक पढ़कर ही ना चले जाएं, बल्कि हम बीइंग अ टीचर, हमारा ये फ़र्ज है कि हम अपने स्टूडेंट्स की तालीम के साथ साथ तरबियत भी करें। उसी का ये एक सिलसिला है कि हम कोई ना कोई एक छोटी सी बात कोई ऐसी डिस्कस करें कि जो आहिस्ता आहिस्ता जब डिस्कशन होगी तो वो चीज़ें हमारी ज़िंदगियों में आएंगी। ठीक है, तो आज मैं आपसे ये डिस्कस करना चाह रही हूँ कि बीइंग अ पेरेंट्स या बीइंग अ टीचर्स, हम जो आप सब स्टूडेंट्स की, आप बच्चों की जो है वो तरबियत हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी जो ज़िम्मेदारी है वो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, और उसका निचोड़ जो है बहुत तीन चीज़ों में निकाला गया कि अगर हम अपने अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को ये तीन चीज़ें सिखा दें तो हम काफ़ी हद तक जो है वो अपने बच्चों की तरबियत करने का हक अदा कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सब स्टूडेंट्स ने क्या करना है कि आपने देखना है कि क्या वो तीन क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं। ठीक है, अगर हैं तो दैट्स वेल एंड गुड, यानी आपके पेरेंट्स ने, आपके टीचर्स ने, आपके एल्डर्स ने आपकी इतनी अच्छी तरबियत की है कि उन्होंने आपके अंदर ये डेवलप कर दी हैं आदतें। ठीक है, और अगर आप देखेंगे कि अगर उनमें से किसी में भी आप लैक कर रहे हैं तो आपने उसके ऊपर हार्ड वर्क करना है, बजाय किसी को ब्लेम करने के हमें सिखाया नहीं गया, ये नहीं किया गया, वो नहीं किया गया, तो आपने उसको, उनको अडॉप्ट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्या है, वक्त पर नमाज अदा करना। स्टूडेंट्स, ये चीज़ बहुत कम पेरेंट्स अपने बच्चों में ये चीज़ डाल पाए हैं कि जो है वो वक्त, नमाज जो है ना अपने वक्त पर अदा की जाए। ठीक है, मतलब हम या तो उसको लेट करके या कज़ा कर देते हैं, लेट कर देते हैं, अपने फंक्शंस में मसरूफ़ रहते हैं, अपनी बातों में, गपों में मसरूफ़ रहते हैं, हम उस चीज़ को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इससे आपका अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक मजबूत होगा। ठीक है, और अल्टीमेटली आप जब 5 times a day आप टाइम पर अल्लाह ताला से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि अल्लाह ताला अल्टीमेटली आपको बुराई के रास्ते से बचा लेंगे। ठीक है, तो वक्त पर नमाज अदा करनी है, जो टाइम है नमाज का उस वक्त पर अदा करनी है। सेकेंड क्या है, सच बोलना। हमें पता नहीं चलता लेकिन हम बहुत माइन्यूट से और ऐसे बिला वजह ही छोटे छोटे झूठ बोल देते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन अगर आप आज से ही ये प्रॉमिस कर लें कि हम बिला वजह कोई झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है, और छोटे छोटे से झूठ बोलते रहते हैं हम, ठीक है, अच्छा तबीयत ख़राब थी इसलिए छुट्टी कर ली, टेस्ट नहीं तैयार किया, एंड ऑल दैट, मतलब जो स्टूडेंट्स के होते हैं झूठ, ठीक है, तो आप कह दें कि नहीं, जो है वो है, मतलब जो सच है वो ही हमने बोलना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन की जो फीलिंग्स है ना, वो उतरेंगी। ठीक है, आपके दिल में एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग्स आएंगी कि मतलब अच्छी बात है, मतलब हम झूठ नहीं बोलते। ठीक है, तो ये सब बुराइयों की ना एक जड़ है, झूठ बोलना सब बुराइयों की जड़ है। अगर आप वो ये बुराई छोड़ देंगे, झूठ बोलना और सच बोलना शुरू कर देंगे, तो आपके की करैक्टर बिल्डिंग जो है वो बहुत माशाल्लाह स्ट्रांग हो जाएगी।
ठीक है। एंड थर्ड एंड लास्ट वन, बड़ों का अदब करना, ठीक है। इसमें हमारे पेरेंट्स सबसे पहले आ जाते हैं, फिर हमारे टीचर्स, फिर हमारे एल्डर्स आ जाते हैं, और इनका अदब दिल से करना। ये नहीं कि सामने खड़े हैं तो आप कहें जी जी ठीक है, बहुत अच्छी बात है, और जैसे ही वो सामने नहीं होते तो आप जो है उनकी बुराइयाँ शुरू कर दें। अच्छा ठीक है, टीचर्स अक्सर स्टूडेंट्स हैं वो टीचर्स की बुराइयाँ शुरू कर देते हैं कि अच्छा पढ़ाना नहीं आता, ये नहीं है, वो नहीं है। तो आपने ये नहीं देखना कि उनको क्या आता है या क्या नहीं आता, ठीक है। आप सिर्फ उनसे अच्छी चीज़ें लेंगे, हर इंसान में अच्छाई बुराई होती है, आपने उनसे अच्छी चीज़ें अडॉप्ट करनी है। और कोई भी अगर बुराई है, बुरी चीज़ है, तो उसको आपने डिस्कस भी नहीं करना और उसको लेना भी नहीं है, ठीक है। तो आई होप सो आज का ये जो थॉट ऑफ द डे है ये आपको समझ आ गया होगा, और आप में से हर बच्चे ने इंडिविजुअली कोशिश करनी है कि आप इन तीन चीज़ों को अपने अंदर ले आएँ, ताकि जो है वो आप अपने पेरेंट्स के लिए भी सदका जारिया बने, ठीक है, और एक अच्छे इंसान बनकर आप जो है वो माशरे के लिए भी एक पॉजिटिव किरदार अदा कर सकें। ओके, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव में जस्ट क्वेश्चन नंबर, ऑब्जेक्टिव नंबर 11 एक्सक्लूडेड है, बाकी सब इंक्लूडेड हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स द हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू अ कार्बन व्हिच इज फर्दर अटैच्ड टू हाउ मेनी कार्बन एटम्स, ठीक है। तो सिंपल प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स में तो देखिए हमारे पास हैलोजन एटम जो है वो जिस कार्बन के साथ अटैच होता है वो फर्दर वन कार्बन के साथ अटैच होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है SN2 reactions can be best carried out with। अब हमने SN1 and SN2 बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ ली हैं। टू जो मोलिकुलरिटी है वो हमें ये बता रही है कि अल्काइल हैलाइड्स और जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं वो दोनों एक ही स्टेप में जो है वो रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, एक स्टेप में इन्वॉल्व हैं। तो इसका क्या मतलब है कि ये किस तरीके से ये होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स में से कौन से अल्काइल हैलाइड्स जो है वो SN2 रिएक्शंस देंगे? तो ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स ही जो है वो SN2 रिएक्शंस को फॉलो करते हैं, ठीक है। ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया। और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स से रिलेटेड तो एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि वाई टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स ऑलवेज अंडरगो SN1 रिएक्शन, उसके लिहाज से भी आपको ये ऑब्जेक्टिव आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? For which mechanisms the first step involved is the same? तो स्टूडेंट्स, ये बहुत से जो कहते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, ये दो तीन बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा मैकेनिज्म ऐसे हैं जिनका फर्स्ट स्टेप सेम है, ठीक है। तो ये दोनों हमने SN1 और SN2 और E1 E2 हमने डिटेल में जब डिस्कस किया तो हमें पता चला के E1 और SN1 दोनों का पहला स्टेप सेम है, मींस के रिमूवल ऑफ लीविंग ग्रुप, ठीक है। क्योंकि दोनों में क्या होता है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं और वो बल्की ग्रुप्स होते हैं, और पहले स्टेप में वो सिंपल लीविंग ग्रुप को लीव करवाते हैं, ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज द रेट ऑफ E1 रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन। E1 रिएक्शन डिपेंड किस पे करता है? तो जब हमने E1 रिएक्शन और E2 रिएक्शन का कंपैरिजन किया था तो सबसे पहले तो हमें यह पता है कि E1 रिएक्शन टू स्टेप मैकेनिज्म है, ठीक है। पहले स्टेप में अल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व होता है और दूसरे स्टेप में जो है वो बेस आकर बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करती है, ठीक है। तो पहला स्टेप जो है वो स्लो स्टेप है और उसमें अल्काइल हैलाइड्स जो है वो इन्वॉल्व है। तो अल्काइल हैलाइड्स बेसिकली हमारे पास सबस्ट्रेट एक्ट करते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ E1 रिएक्शन ओनली डिपेंड्स ऑन दी कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट या फिर अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इज अल्काइल हैलाइड्स आर कंसीडर्ड टू बी वेरी रिएक्टिव कंपाउंड्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल्स बिकॉज दे हैव एन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, दे हैव एन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एंड अ गुड लिविंग ग्रुप, दे हैव एन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एंड अ बैड लिविंग ग्रुप, एंड दे हैव एन न्यूक्लियोफिलिक कार्बन एंड गुड लिविंग ग्रुप। तो सबसे पहले ये देख लें कि हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स आर कंसीडर्ड टू बी वेरी रिएक्टिव कंपाउंड्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल्स, यानी एक अल्काइल हैलाइड्स होंगे वो न्यूक्लियोफाइल के साथ बहुत अच्छे से रिएक्ट करना चाहेंगे, क्योंकि उनके पास ये क्या है, किस किस्म का कार्बन है। अब ये इस कार्बन चेन के ऊपर पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन लविंग हुई तो ये इलेक्ट्रोफिलिंग कार्बन है, ठीक है। तो डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, तो फर्स्ट थ्री ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन होगा, यानी इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन तो है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन तो है, लेकिन उसके साथ इनके जो लिविंग ग्रुप्स हैं वो क्या होंगे,
गुड लिविंग ग्रुप होगा तो ही फास्ट रिएक्शंस या बहुत फास्ट रिएक्शन करेगा. तो इसका मतलब है कि बी ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास. ठीक है, दे हैव एन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एंड अ गुड लिविंग ग्रुप, यानी अल्काइल हैलाइड्स के लिविंग ग्रुप्स जो हैं वो और उनके लिविंग ग्रुप्स जो हैं वो गुड लिविंग ग्रुप होते हैं. ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल. अब यहाँ पे से कौन न्यूक्लियोफाइल नहीं है. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल होता क्या है. ठीक है, वो न्यूक्लियस लविंग होता है. और न्यूक्लियस का क्या मतलब है, वैसे आपको पता है कि एक एटम का जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो पॉजिटिव होता है और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. ठीक है, तो न्यूक्लियस लविंग का क्या मतलब होगा कि पॉजिटिव सेंटर लविंग. ठीक है, पॉजिटिव सेंटर लविंग. वो पॉजिटिव सेंटर लविंग होता क्यों है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के ऊपर या तो हमारे पास लॉन पेयर्स होते हैं और वो न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस को न्यूक्लियोफिलिक सेंटर को देना चाहता है, या फिर उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, नेगेटिव साइन की फॉर्म में होता है. अब यहाँ पर देख लें, आप देखें वाटर के पास पास भी हमारे पास लॉन पेयर्स होते हैं, सल्फर के पास भी लॉन पेयर्स होते हैं और नाइट्रोजन के पास भी लॉन पेयर होते हैं. दैट्स वाई ये सब न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकते हैं, लेकिन बोरोन ट्राइफ्लोराइड के पास कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते और ना ही वो नेगेटिवली चार्ज है. दैट्स वाई इट इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ. डबल बॉन्ड कब बनता है. ठीक है, तो हमने ये एलिमिनेशन रिएक्शंस में बहुत डिटेल में पढ़ लिया था कि अल्काइल हैलाइड्स में क्या होता है कि एक कार्बन में से जो है वो हैलोजन रिमूव होता है और दूसरे कार्बन में से हाइड्रोजन रिमूव होता है और फिर उनके दरमियान में डबल बॉन्ड बन जाता है. ठीक है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन से जो है वो हमारे पास डबल बॉन्ड बनता है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ अल्केन्स विद हैलोजन्स. ठीक है, अब हमारे पास, और ये भी बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स हमारे पास कि अगर आप सिंपल अल्केन्स ले लेंगे ना, अल्केन्स सिंपल अल्केन्स को आप उसकी मतलब क्या करवाएंगे, या तो आप फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करवा सकते हैं, क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ या आयोडीन के साथ. तो मोस्टली जो है वो ब्रोमिनेशन या क्लोरीनेशन करवाई जाती है. आयोडीन का रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है. ठीक है, कि प्रोडक्ट ही नहीं बनती, इसलिए हम अल्केन्स को डायरेक्ट आयोडीन के साथ रिएक्ट करवा के अल्काइल हैलाइड्स नहीं ले सकते. ठीक है, और फ्लोरीन का रिएक्शन इतना ज़्यादा फास्ट होता है कि उसको हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते. ठीक है, तो बन तो जाएगा लेकिन उसके साथ कुछ मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी और इस तरीके से हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते. तो मोस्टली इस तरीके से प्रिपेयर नहीं किया जाता. लेकिन आयोडीन वाले के केस में क्या होता है, इतना स्लो रिएक्शन होता है कि अल्काइल हैलाइड्स बनते ही नहीं हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अल्काइल आयोडाइड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट रिएक्शन. ठीक है, इनको जो है वो हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से बना सकते हैं. ठीक है, यानी ऑलरेडी कोई अल्काइल हैलाइड बना हुआ हो, यानी आर एफ या आर सी एल बना हुआ है और उसको फिर हम रिप्लेस कर लेंगे, आयोडीन को इसके साथ रिप्लेस कर लेंगे. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट गिव अल्केन्स विद. तो ये ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का जो प्रीवियस हमने लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि ये वाटर, अमीन्स और अल्कोहल्स, ये तीनों ही जो है वो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ मिलकर हमारे पास अल्केन्स बनाते हैं. तो डी ऑप्शन इज करेक्ट. एंड क्वेश्चन नंबर 10, एक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स विद सोडियम मेटल यील्ड. अब ये क्या बनाएगा स्टूडेंट्स, ये वाला रिएक्शन आपकी बुक में आपको करवाया नहीं गया, तो आप इसको यहाँ पर देख लें. ठीक है, ये अल्काइल हैलाइड्स के टू मॉलिक्यूल्स सोडियम मेटल के टू मोल्स के साथ रिएक्ट करते हैं. ठीक है, और इसको हम हीट करते हैं और ये इस तरीके से सोडियम हैलाइड बना देता है और अल्काइल चेन्स आपस में जुड़ जाती हैं. ठीक है, और ये 2NaX बन जाएगा और इसका नाम है, इस रिएक्शन का नाम है वर्ट्स सिंथेसिस. ठीक है, ये आप नोट कर लें अपनी नोटबुक्स पे, क्योंकि ये देखें ये ऑब्जेक्टिव में तो पूछ लिया लेकिन आपकी बुक में नहीं है, तो ये आपको आना चाहिए कि अल्काइल हैलाइड्स जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, अल्केन्स बनते हैं.
ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड वर्ड्स सिंथेसिस। और ये आप ये वाला रिएक्शन जो है वो कन्वर्जन में भी यूज कर सकते हैं अगर आपको चेन को डबल करना हो। ठीक है, टू कार्बन चेन है तो ये फोर कार्बन चेन में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 11th जो क्वेश्चन है वो एक्सक्लूडेड है। एंड नाउ लास्ट वन 12th, अमॉन्ग द अल्काइल हैलाइड्स द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स ऑलवेज फॉलो द मैकेनिज्म। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स हमेशा कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेंगे? SN2। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने ऑब्जेक्टिव को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस दोनों को जो है वो डिस्कस करेंगे, और एग्जाम्स में अकॉर्डिंग टू 3 मार्क्स क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के जो मार्क्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली उसको किस तरह से अटैम्प्ट करना है हम वो देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।